स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप आइए इसमें। तो जैसे करंट अफेयर के लिए आरंभ सीरीज चल रही है तो हम लोगों को काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर स्टैटिक पोर्शन के लिए भी कुछ नया कीजिए, तो लेके आ चुके हैं हम ब्रह्मास्त्र रिवीजन सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग केवल और केवल प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% वो फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक प्रिलिमिनरी, ना सिर्फ UPSC बल्कि हर प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मोस्ट वांटेड हैं, और ये आपको पता होने ही होने चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए एंशंट हिस्ट्री में सबसे पहले बात करेंगे प्री हरप्पन पीरियड की। तो जब प्री हरप्पन पीरियड में हम साइट्स की बात करते हैं तो लोअर पैलियोलिथिक एज में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्योंकि लोअर पैलियोलिथिक का पैलियो मतलब स्टोन, लिथिक में पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज में आपको क्या क्या चीज़ें मिली थी। हैंड एक्स, क्लीवर इंडस्ट्रीज, ये कौन कौन से एरियाज में सिचुएटेड है, ये UPSC हर बार क्वेश्चन पूछ लेती है। पहलगाम, बेलानवेली, UP, भीमबेटका, आदमगढ़, 16 RC, रालाव। इसके अलावा देखिए मिडिल पैलियोलिथिक एज की जब बात करते हैं हमें यहाँ पर फ्लेक से बने हुए टूल मिलते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, भीमबेटका, निवासा, पुष्कर, रोयशिला ऑफ अपर सिंध। इसके अलावा देखिए अपर पैलियोलिथिक एज जो कि 45,000 से 1000 BC तक है, उसमें हमें फ्लेक्स से बने हुए टूल और इसके अलावा ब्लेड्स, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, राजस्थान, पार्ट ऑफ बेलानवेली, गंगा, UP एक्सेट्रा। मीजोलिथिक और माइक्रोलिथिक एज, यहाँ पे देखिए मीजो और माइक्रो आ गया, यानी कि स्टोन का साइज जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे नीचे नीचे को आते जा रहे हैं, तो शार्प्ड एजिस के साथ जो है टूल्स हमारे आते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, पैरेलल साइड ब्लेड्स मिल रही हैं विथ चैट्स, चेलेडोमुनी, जेस्पर, एगेट, अगेठी बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में भी ले लिया है इन्होंने एगेट करके। तो यहाँ पे देखिए एगेटी को फायर अल्टार भी बोलते हैं। इसके अलावा देखिए ये कहाँ कहाँ मिले हैं, बाजोर राजस्थान, लाहगंज गुजरात, सराय नहर राय, चाओपानी, मांडो, महाना, दामदाना UP, भीमबेटका, आदमगढ़। अब न्योलिथिक एज की, यानी न्यू मतलब न्यू स्टोन एज में क्या हुआ, अर्दन पॉर्स हमें मिले, ये कहाँ कहाँ मिले, मेहरगढ़ में मिले, गुर्फ कराल में मिले, गुरग्राहम में मिले, माघरा, चंपोनी, मंदो, कोदियावो, बेलानवेली UP एंड चिरांदिन बिहार। इसके अलावा चेलियोलिथिक एज पे जब हम आते हैं तो इसमें हमें क्या क्या मिले, डिस्टिंक्ट पेंटेड पॉटरी, फायर वर्कशॉप, वर्शिप, वाइड स्प्रेड, यहाँ पे क्या था, अलग अलग टाइप की पॉटरीज मिली और यहाँ पे फायर वर्शिप जो थी उसका वाइड स्प्रेड ज़्यादा था। इसके अलावा देखिए कल्चर्स की जब हम बात करते हैं तो आहार कल्चर जो है सबसे पुराना कल्चर है, ये भी UPSC पूछ सकती है, कायात, मालवा, सवालदा, प्रभास कल्चर, रंगपुर कल्चर और जोरवे कल्चर जो है वो सबसे न्यू कल्चर जो है वो जोरवे कल्चर है, वो क्या है आगे जानेंगे। कॉपर हॉट कल्चर उसके बाद आया था, तो इसमें हमें क्या क्या मिला, क्योंकि कॉपर क्या यहाँ से इन्वेंशन हो गया जब कोलिथिक एज आ गई, तो यहाँ पे हारपून मिले, एनेट स्वॉर्ड्स मिली। इसके अलावा एंथ्रोमॉर्फ्स हमें मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं, गुनगेरिया MP जो कि लार्जेस्ट प्लेस है कॉपर हॉट कल्चर का। उसके अलावा नेक्स्ट कल्चर को देखते हैं, वो है OCP, ये कल्चर यानी कि ऑजरे कलर्ड पॉटरी। तो इस कल्चर में क्या होता था, पॉटरी विथ रेड स्लिप और पेंटेड ब्लैक कलर से, जो यानी कि एक ब्लैक कलर से कोई पॉटरी को हमने पेंट कर दिया, उसके बाद रेड और ब्राइट स्पॉट्स उसमें बनाए और काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स होती थी उसके ऊपर, वो मैं आपको उसकी इमेज भी दिखाऊंगा। तो ये पूरे गैंगेटिक प्लेन और सब रीजन्स में जो है गंगा के वो पाया जाता है जहाँ पे कॉपर पोर्ट कल्चर था। इसके अलावा देखिए आहार कल्चर जो है अरावली रेंज में ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। इसमें क्या था, ये अपने आप का में एक डिस्टिंक्टिव कल्चर था जहाँ पे रेड वेयर जो है डेकोरेट किया जाता था वाइट डिज़ाइन से। इसके अलावा प्रभास और रंगपुर वेयर जो थे जिसमें कि पूरी सरफेस जो थी वो ग्लॉसी होती थी रेड कलर की वजह से, यानी कि जो हमारे बर्तन होते थे, जो यूटेंसिल्स होते थे वो रेड कलर के होते थे। इसके अलावा वहाँ पे क्या होता था, उसको ग्लॉसी और चमकीले चीज़ों से जो है डेकोरेट किया जाता था।
महाराष्ट्र में रिसेंट में आया था जोरवे कल्चर, जिसमें कि पेंट किया जाता था ब्लैक ब्लैक कलर की जो पॉटरीज होती थी उनको पेंट किया जाता था। उसके अलावा मैट सरफेस जो थी उसको वॉशिंग के लिए भी यूज किया जाता था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम हड़प्पन साइट्स की अगर हम बात कर लें तो आप एक बार ये मैप में देख लीजिए कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं हमारी पूरी पूरी जो है न्योलिथिक हैं, चैल्कोलिथिक हैं या कोई और हैं। मैं स्क्रीन पे इसको 2 सेकंड के लिए रखूँगा, आप सभी लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो ये पूरा स्क्वायर में है वो साइट बिलोंग करती है इंडस कल्चर से। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा पाकिस्तान के एरिया में जो अब प्रेजेंट में है, जितने भी डार्क ब्लू कलर में है। अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट रेड कलर में है, यानी कि ये जो कलर में है, तो वो सभी जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर में है वो अर्ली फार्मिंग कल्चर से बिलोंग करती है, ये ग्रीन जितनी भी हैं। तो यहाँ देखिए पाकिस्तान में मेजॉरिटी पोर्शन, क्योंकि इंडस वैली ही ये इंडस वैली का मतलब क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो इंडस वैली के किनारे फ्लरिश हुई, तो ये इंडस वैली, यहाँ पर इंडिया का ये पोर्शन, ये पूरा पूरा पोर्शन जो है आज पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान आता है। तो ज़्यादातर जो IBC की जो पुरानी हमें मिलती हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं या फिर कोई नई एक्सकेवेशन होता है, तो मेजॉरिटी पोर्शन कम्स अंडर पाकिस्तान। अब देखिए सेलेक्ट हम लोग कुछ चैल्कोलिथिक साइट्स की बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज जो जो हुई थी वो आखिर हुई थी तो वो किसने की थी और क्या क्या वहाँ से मिला था। हड़प्पा की जब बात करते हैं, द एक्सकेवेटर ऑफ हड़प्पा इज दयाराम साहनी, आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमें क्या मिली है, ग्रेट पिरामिड मिली है, 40% ऑफ सील जो हैं पूरी IBC के जो ये हैं वो यहाँ मिले हैं। सील जितने भी हैं वो डिपिक्ट कर रहे हैं एलिफेंट, बुल, यूनिकॉर्न, डायनासोर्स और फिगरेंस, जिन्हें टॉर्सो बोला जाता है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे गाय का पिक्चर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे जो है आपको घोड़ा कहीं नहीं दिख रहा है। तो UPSC ने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि क्या घोड़ा जो है इनकी सील्स में मिला है, नहीं मिला है। अब मोहनजोदाड़ो की बात कर लेते हैं, तो इसको फाउंड किया था RD बनर्जी ने, इसे माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है और ये लार्जेस्ट है ऑफ ऑल द सिटीज़। यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी मिली है, और ये सिटी जो थी ओकेजनली फ्लडेड भी होती थी। इसके अलावा देखिए फिगरेंस मिले हैं योगी के, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है और एक पशुपति स्टैचू मिला है। इसके अलावा लोथल को जो एक्सकवेट करने वाले थे SR राव, ये अर्लीस्ट कल्टीवेशन यहाँ पे राइस का मिला है और फायर अल्टार से हमें यहाँ पे मिले हैं। अब कालीबंगा की बात करते हैं, ये एक घोष के द्वारा जो एक्सकेवेट की गई थी और फायर अल्टार्स शोइंग कल्ट सेक्रीफाइस, मतलब यहाँ पर से जो है कल्ट वाइज सेक्रीफाइसेस जो थे वो चालू हो गए थे। अब देखिए अब बनावली की जब हम बात करते हैं, बनावली को जो एक्सकेवेट करने वाले थे वो RSPs थे और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी फायर अल्टार्स हमें मिले हुए हैं। धोलावीरा और बनावली को जो एक्सकेवेट करने वाले हैं वो हैं RSPs, क्योंकि UPSC ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो चांसेस हैं कि यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछ सकती है UPSC की किसने एक्सकेवेट किया। मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ में हमें एविडेंस मिलते हैं फर्स्ट कॉटन कल्टिवेशन के। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये पूरी इंपॉर्टेंट साइट से एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैप से आप लोगों को एग्ज़ाम में एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि कौन सी साइट कहाँ पर थी। बलूचिस्तान में जो है रहम देरी कहाँ पे थी, पेरीनाव गंडाल कहाँ था, राना गुंडाई कहाँ थी, जलीपुर कहाँ था। अब ये सब चीज़ें जो हैं आपको मैप के ज़रिए ही समझ में आएंगी।